आज की ब्लॉगिंग खाली यही भाई साहब करेंगे, ठीक है? अपना नाम तो बता पूरा। मेरा नाम भूपेंद्र जोगी तीन है और मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर नेम क्या तेरा अभी है मेरा निकनेम और मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो मत करना क्योंकि ट्विटर पे अकाउंट नहीं है और इंस्टाग्राम पे अकाउंट है उसमें 29 फॉलोवर है। अब पापू आए इधर मैं तुमको ले चलता हूँ, ठीक है? भैया राहुल भैया मेरे बुआ के लड़के हैं, ठीक है? और हम लोग आए गौशाला। आज मैं नहीं करूंगा, आज तुम चलाओगे सारे। चलो ला स्टार्ट करो। कहाँ पे आ रखे हैं हम? सबसे पहले बंद नहीं करना। देखो आज हम आए हैं गौशाला, दिखाओ आगे पीछे जा रहा है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे गाड़ियाँ घूम रही हैं, हम यहाँ पे अभी खाना खाएंगे ये और है ना, और हम लोग जा रहे हैं अभी झूला झूलने और यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं और यहाँ पर एक गाय के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल भी है और यहाँ कितनी सारी गाय है दिखाइयो। आया यहाँ पे बहुत सारी गाय है। अच्छा हाँ भाई ये देखो यहाँ पे बहुत हरियाली का ध्यान रखा गया है और लोग बच्चों को बिस्कुट भी देते हैं और यहाँ पे हम लोग अभी झूला झूलने जा रहे हैं और हम वही बच्चे हैं जो बिस्कुट लेते हैं और हम लोग बिस्कुट ले भी लेते हैं और कभी कभी देते नहीं है किसी को। अच्छा अब दिखाते हैं यहाँ पे वो लोग चारा, ये मेन गौशाला है। अच्छा यहाँ पे लोग चारा खिला रहे हैं। इसके ऊपर खड़ा हो जा आराम से बता। गाय के दोस्त गाय हमारी माता है और हमको कुछ आता नहीं है और हम गाय का परिचय सुना रहे हैं। और आगे गाय एक गाय हमारी माता है। गाय के दो सिंग होते हैं, गाय के चार थन होते हैं, गाय के चार पैर होते हैं और गाय सफेद काले रंग की जैसे भी चाहिए तुम्हें मिल जाएगी। मिल जाएगी अबे खरीद रहे हो तुम गाय और यहाँ पे मल्टी कलर गाय की तुम्हारी एक मुंह मतलब की एक क्या देख रहा है क्या और एक मुंह होता है और अच्छा। गाय की दो आँख होती है। चीटिंग कर रहा है देख देख के बता रहा है। अरे भाई मेरे को ज्यादा आता नहीं है, ठीक है? बाय बाय। अभी हम गाय को देख लो जितनी पलटती है एक हाँ गाय की एक पूंछ होती है। पीछे वाले गाय के पैर होते हैं और आगे वाले हाथ होते हैं। और अपना इंस्टाग्राम वगैरह कुछ बताना चाहेंगे? मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इट्स क्यूट जतिन और मेरा 29 फॉलोवर है और 31 पोस्ट है और 17 फॉलोइंग है। पूरी याद रखना भाई जी पूरी डिटेल और मेरी डेविल वाली फोटो लगी होगी। चलो ठीक है चलो अभी हम चलते हैं झूले की तरफ, ठीक है? चलो हमारे शुभ चिंतक हमारे साथ में, ठीक है? अगर हम खो गए ना तो ये हमारी मदद करेंगे ढूंढने में। कौन? यस हमारी मम्मी जो कि आगे आगे चल रही है। इस बच्चे की पता नहीं आँख में क्या हो गया। छोटे केले मिले थे तेरे को? मिल गया था प्रसाद? खाता रहा वो। ठीक चल और पूछ रहा हूँ मैं। और यहाँ पे चिड़िया के घोंसले भी पेड़ पे टंगे रहते हैं, मतलब कि वो लकड़ी का वो कुछ घर टांग देते हैं। कहाँ पे है दिखाओ चल के। यहीं कहीं पर लगे होते हैं। आप लोगों को मैं शूटर है, मेरा शूट है आपको दिखाएंगे। कबूतर ये देखो कबूतर है, इट्स कबूतर। इसके अंदर देखो कितने सारे कबूतर आगे क्यों नहीं मेरा इट्स बैड बॉय कबूतर। मतलब इधर बहुत सारे कबूतर हैं और ऊपर भी है थोड़े बहुत सफेद काले जैसे रंग के चाहिए तुम्हें। अबे खरीद थोड़ी ना रहे हैं। इधर देखो इधर बहुत सारे कबूतरों के बीच में एक कबूतरी है, देखो कबूतरी कबूतरों के बीच में एक कबूतरी नाम है महक शर्मा। शर्मा है क्या है? क्या है? पासवान कबूतरी पासवान। और यहाँ पे हाँ भाई यहाँ पे बहुत सारे खरगोश हैं, दिखाइए। और जिनके बीच में ये मेरे को हेलो करने की कोशिश कर रहा मगर मैं करूँगा नहीं। हेलो 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 गाइस। एक मोर भी है काले कलर का मगर मेरे को हाई फाई कर रहा है। चलो चलो भाई आगे चलो। बत्तख कहाँ गई? बत्तख कहाँ? बत्तख पता नहीं घर को छोड़ के चली गई, भाग गई मतलब। चलो अब हरियाली के आज बत्तख की छुट्टी है तो उनका कहीं पे टूर चल रहा होगा। आ तो सारे हरियाली के क्षेत्र में चलते हैं सारे। ये इतना एरिया है यहाँ पे झूले वगैरह झूले जाते हैं
और देखो भाई जल्दी चल लो ना तो झूला नहीं मिलेगा, मैं जा रहा हूँ। ठीक इट्स बैड बॉय जतिन आने वाला है। झूल गया। अब नेक्स्ट और कहीं जगह कोई दूसरी जगह बताइए। आ जाओ भाई गाइस जल्दी। यहाँ पे बहुत ही बड़ी भूल भुलैया। यहाँ पे सबसे पहले हम कबड्डी खेला करते थे और हम लोग छुपन छुपाई भी खेलते थे पहले। अच्छा हम पकड़ाई भी दो बार खेली है। और यहाँ पे हम बैठ जाते थे, थक जाते थे तब। अच्छा और यहाँ पे एक स्टेज भी है जहाँ पे छोटे मोटे जब प्रोग्राम होते हैं। हाँ, बड़े तो, बड़े जब प्रोग्राम होते हैं उस टाइम तो पे खाना खाने आते हैं इधर। अबे हर एक चीज खाने पे ही क्यों खत्म करता है तो? अरे भैया यहाँ पे खाना आता तो हम खाते थे ना। चलो और भैया तुम्हें एक सांप का कुआं नहीं खाता हूँ। चलो ये वो स्टेज अभी तो साफ सफाई नहीं हो रखी है। यहाँ पे जैसे होली के टाइम पे नहीं हो छोटी छोटी सी माला बनती है। आज हमारा तू दिखा। अरे ओन है देखो दिखा, ये माला बनती है छोटी छोटी होलियों पर। और तुम्हें हम सांप जिसमें रहते थे वो वाला कुआं दिखाऊंगा चल के। है उधर एक कुआं, आपका कुआं इधर, मैं तुमको ले चलता हूँ ठीक है। ये राहुल भैया मेरे बुआ के लड़के हैं ठीक है। और हम लोग आए हैं गौशाला, ध्यान रखिए। तो अभी हम लोग जाएंगे कुएं तक। ओ भैया आ रहे हैं पीछे पीछे। ये सांप का कुआं है इधर। पहले बताया जाता है कि यहाँ पे सांप रहते थे मगर अभी तक पक्का नहीं हुआ यहाँ सांप रहते हैं, हमने देखा नहीं है। यहाँ पे बहुत ही रहस्यमय बात, यहाँ पे छोटा सा तालाब हुआ करता था। यहाँ पे भाई बहुत ही रहस्यमय बातें चल रही है। एक रपटा मारूंगा। ये छोटा सा एक गार्डन है जहाँ पे बीच में छोटा सा तालाब सा बना रखा था ताकि वो क्या कहते हैं इसे, स्विमिंग पूल। यहाँ पे मतलब खरगोश वगैरह कोई नहाता है। हाँ आज की ब्लॉगिंग खाली यही भाई साहब करेंगे ठीक है। अपना नाम तो बता पूरा। मेरा नाम जतिन है और मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर। निकनेम क्या दे रहा अभी? ये मेरा निकनेम और मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो मत करना क्योंकि ट्विटर पे अकाउंट नहीं है और इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उसमें 29 फॉलोवर है और 17 फॉलोइंग है और 31। अपने मुझे अपने आप ही बेइज्जती करा लेते हैं, ये 29 वाला बताना जरूरी था ठीक है। अरे नहीं नहीं मेरे 29 नहीं, मेरे 5,00,000 फॉलोवर है। आप ठीक है कुछ ज्यादा लंबा फेंक दे लेकिन 5,000 भी बोलता तो समझ में भी। हाँ 5,000 नहीं है मेरा 5,000 है ठीक है। और मेरे को एक गोल्डन प्लेट और सही से देखा जाए तो 50 भी नहीं पहुंचा। कितने हैं? 25 29 29 हाँ देखो भाई अब मेरे को ना गोल्डन प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन और डायमंड प्ले बटन भी मिल रखा है। जो भी है सब लंबी फेंक रहा है और जितना हो सके लपेट पाओ तो लपेट लेना। अच्छा एक चीज और, हाँ जो मैं घोसला कह रहा था ना दिखाने के लिए कि चिड़िया वगैरह के लिए बना रखे इन्होंने, ये रहे ठीक है, ये रहे। इसमें है नहीं, इसमें कुछ है कि नहीं है? नहीं है भैया, खाली पड़ा हुआ है। भैया नीचे करो गाइस, अब मैं झूला झूलने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो बाय बाय, आज मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता। अब चल कोई बात नहीं, इतना बोल। अब आगे का आप दिखाओगे मैं दिखाऊंगा? दिखा दिखा नहीं मैं दिखा ही रहा हूँ, तू दिखा। क्या बोलूँ मैं, जो भी बोल। क्या यहाँ पे क्या क्या है देख सकते हैं? वो तो पागल भाग चुका है, अब मेरी बारी। तू भी भाग जा। और क्या कह सकते हैं तालाब के बारे में? हाँ वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं तालाब में। यहाँ पर राधा कुंड, श्याम कुंड सब है यहाँ पर। आप जब भी आए ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर जरूर आना। अच्छा एक चीज और, गौशाला का नाम है क्या है? श्री कृष्ण गौशाला सुल्तानपुर डबास। अगर आप आना चाहो तो आप आ सकते हो। और सेकंड बात, गोवर्धन पूजा है आज, तो कोशिश करो आज ही निकल जाओ अपने घर से यहाँ के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक तो सजावट भी कर रखी है, दूसरा गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण जी की मूर्ति जो उन्होंने बना रखी है वो बिल्कुल ही ओरिजिनल
गोबर से बना रखी है, ठीक है, गोवर्धन पूजा श्री श्याम जी की मूर्ति। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो दिखा पाऊँ, और उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, तालाब भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं तालाब के पास में। हाँ तो कहाँ थे हम, तालाब पे जाने वाले थे, और उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे बड़े बड़े से गोदाम है, जो कि चारे जो गाय का भोजन होता है उसे भरे रहते हैं एनी टाइम, और यहाँ पे ऐसे 15 से 17 शायद एक्स्ट्रा ही होंगे, ठीक है, आ जाओ ए गंजे, 15 से 17 शायद उससे ज़्यादा होंगे, और मतलब दिल्ली की सबसे बड़ी गौशाला है। कोशिश करो आप यहाँ आओ, और बाकी का तो ये दिखाएंगे। हाँ दिखाऊंगा, और ये देखो देखो भाई, आज हम तालाब पे जा रहे हैं अभी। अरे ऊपर करके चला कर, हाँ यूं भैया हमें जबरदस्त, भैया मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं, फिर भी मैं जा रहा हूँ क्योंकि तालाब पे ये लोग बोल रहे हैं, और ये मेरे को उठा उठा के ला रहे हैं, तो मैं सोचा इतना ये वो लोग बोल रहे हैं ना, तो मैं चलता हूँ। अच्छा, और ये देखो मेरी वीडियो, तालाब आने वाला है हमारा, ये दूसरी है, और ये फद्दू इंस्टाग्राम का, ये यूट्यूब मतलब इंस्टाग्राम पे ये ऐसी वीडियो बनाता है, आज ही खोला इसने, और एकदम चट्टी वीडियो बनाता है, बेइज्जती अरे हट जा झूले झूले, ओ बच्चा हटो, और ये आ गए हम झूले के पास, और ये है सुंदर व्यू, ये कूड़ा फेंक रहे हैं वहाँ पे, बत्तख बत्तख घूम रही हैं, ये हरा पानी लग रहा है हमको क्योंकि इस पर काई जम गई है, इस पर काई जम गई है, पानी हो चुका थोड़ा सा गंदा, क्या हो गया इसके अंदर बैठ गए, डंडा कर, चलो रे इधर से चलते हैं, ए बबुआ हो आवा ता नहीं हो, देख देख बनी वो बनी बनी, इन्हें रील बना के फुर्सत नहीं है, ओ छोटे इसको पकड़ ले यहाँ पे आ, तो एक ही तो आई बाकी कहाँ है, गौशाला में क्या क्या है, गौशाला में क्या क्या है, हाँ पेड़ है, तालाब है, मंदिर है, और इतने सारे भक्तजन हैं, इतनी सारी गाय हैं, साढ़े देखिए किसे ज़्यादा देखिए, दो दो लड़कियाँ नहीं, लड़कियाँ तो बहुत सारी हैं वैसे, ठीक है, और क्या क्या है यहाँ पे, 8,500 से भी ज़्यादा गाय हैं, गाय का हॉस्पिटल भी है इधर, हाँ, और गाय के बच्चे हैं, गाय की मम्मी है, और हम गाय के पापा है, अच्छा अच्छा, गाय और हम है, हमारे सब्सक्राइबर गाइस नहीं, मित्र मित्र जनों, और मित्र मंडली, और यहाँ पे हम है, हमारे दोस्त हैं, और ये खजूर है चिमकांडी जमूगा, ठीक है, और क्या क्या है यहाँ पे, चल और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे चिमकांडी तो लोग हैं, ओ ले लिया भाई, मोबाइल दे चक्कर आ गए, आया भाई ये मैं मारता नहीं हूँ बच्चा, ये एक बार फिर से जतिन द्विवेदी हमारे फिर से साथ में है, अब ये आगे की गाइडलाइन आप हमें बताएंगे, ठीक, हम सब दोस्तों हमने झूला झूल लिया है, और हम लोग खाना, अरे छोड़ रहा मैं पकड़ रहा हूँ, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, अब देखेंगे क्या क्या मिलेगा, आपको हम बता देंगे जो जो हमें मिलेगा, अब होगा भंडारे पे कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, और भरपूर खाएंगे पेट भर के घर पे खाना खाएंगे नहीं, घर पे जाएंगे सीधा सो जाएंगे, ठीक है, और उठेंगे फिर ट्यूशन जाएंगे, आपको हम एक भी दाना नहीं देंगे उस खाने में, आपको लाइन ये रही, लाइन देगा, लाइन देख ये बच्चे लाइन तोड़ेंगे, और यहाँ के वॉलंटियर इन्हें तोड़ेंगे, हम नहीं लगेंगे लाइन में, हम सीधा तुम लगो लाइन में, ठीक है, हम ये ले पीछे पीछे पीछे, वो पीछे उधर बैठा, बन रही है
हेलो गाइस, ये मैं मतलब कि मैं खाना खा रहा हूँ और मैं ये रहा मेरा खाना। ये अभी मैं खाना खा रहा हूँ और ये मैंने हलवा भरा है अपने भाई के लिए। मम्मी खाएंगे और ये मेरा पानी। तो यहीं के साथ ये मिनी ब्लॉग था और ये भैया बैठे हैं और ये मिनी ब्लॉग था, तो अब इसको कैंसिल करते हैं, मतलब ये बंद करते हैं।